कि प्यारे आकार इसरा ने रमाया रजब में एक दिन और रात है जो इस दिन का रोजा रखे और रात को इबादत करे तो गोया उसने सौ साल के रोजे रखे और सौ साल शब बेदारी की और ये रजब की सत्ताईस तारीख है जिसे पाक में है कि रजब में एक रात है कि इसमें नेक अमल करने वाले को सौ साल की नेकियों का स्वब मिलता है वह रजब की सत्ताईसवीं रात है जो इस रात में बारह रकात पढ़े गौर से सुन ले और हर रकत में सूरह फातिहा और उसके बाद कोई भी सूरत मिला ले और हर दो रकत पर अतहियात पढ़े और पूरी बारह रकत पढ़ने के बाद सलाम फेरे यानी एक ही सलाम से पढ़नी है बारह रकतें हर दो रकत बाद अतहियात पढ़ के फिर खड़े हो जाए सूर फातहा के साथ कोई भी सूरत मिला ले बेहतर है तीन तीन बार सूर इखलास पढ़ लें ठीक है अब जब बारह रकतें पूरी हो जाएं तो फिर आपने तीन तस्वीर पढ़नी है सौ बार क्या पढ़ना है सुबहद्लाह अकबर ये सौ बार पढ़े फिर सौ बार इस्तिगफार पढ़, पढ़ लें और फिर सौ बार दुरूद पाक पढ़ लें जब यह वजीफा कंप्लीट हो जाए तो नबी पाक फरमाते हैं अपनी दुनिया और आखिरत के लिए जिस चीज के बारे में दुआ मांगेगा और सुबह को रोजा रखेगा अल्लाह पाक उसकी सब दुआएं कबूल फरमाएगा सिवाय उस दुआ के जो गुनाह के लिए हो माज अल्लाह अगर कोई अपने गुनाह के काम के लिए दुआ करेगा तो वो कबूल नहीं होगी अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तोफीक अतः फरमाए आमीन